दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शो ऑफ एवरीथिंग में। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए कुछ खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप पेटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो है दोस्तों, तो बने रहें आप मेरे वीडियो में दोस्तों। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसका पिन जनरेट कर सकते हैं और कैसे ये करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जब आप एटीएम आपको मिलता है बैंक से, जब आपने नया नया एटीएम आपको मिला है और एटीएम वाले आपको बोलते हैं कि आप इसका एटीएम कार्ड का पिन खुद जनरेट कर लीजिए, एटीएम में जाइए और इसका एटीएम का पिन आप खुद जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जाते हैं एटीएम में और वहाँ पे जाके आपको एटीएम कार्ड लेके जाना है। तो ये सारा सब कुछ मैं आपको दोस्तों अगले स्टेप में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो खासकर उन भाइयों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है जिन्हें अभी हाल ही में एटीएम कार्ड मिला है और वो अपना चाहते हैं जनरेट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो पिन जनरेट होता है उसके बारे में ये वीडियो है। तो मैं लेके जाने वाला हूँ आपको पीएनबी बैंक में, और पीएनबी बैंक का जो एटीएम है वहाँ पे लेके जाऊँगा आपको और सारे स्टेप्स वहीं पे करके दिखाऊँगा। तो ये सभी बैंक्स वालों के लिए सेम ही स्टेप्स होते हैं दोस्तों, तो ये ना समझे कि ये पीएनबी बैंक वालों के लिए है, तो सभी बैंक के लिए ये सेम ही प्रोसेस रहता है। तो बने रहे दोस्तों आप अगले स्टेप्स में, तो मैं आपको वहीं पर लेके जाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे ही हमें एटीएम मिल जाता है तो एटीएम मिलने के बाद हमें पिन जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका एटीएम चलता है। तो इसके लिए आपको पहले एटीएम इंसर्ट करना है। एटीएम में जाके इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह के ऑप्शन आएंगे, जैसे क्रिएट चेंज पिन ऑप्शन, इस वाले बटन को प्रेस करना है और ओटीपी जनरेशन वाले बटन को क्लिक करना है, दबाना है, क्लिक मतलब दबाना है। इसके बाद 6 डिजिट का कोड आपके मोबाइल में आएगा, इस कोड को आपको लिख लेना है या याद कर लेना है और एटीएम को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद फिर एटीएम को इंसर्ट करना है, फिर आपको उसी ऑप्शन पर जाना है जब पहले गए थे, क्रिएट चेंज पिन जीपीएन, इस पर आपको दोबारा से प्रेस करना है इस वाले बटन को। फिर आपको इस बार ओटीपी वैलिडेशन पे जाना है। ओटीपी वैलिडेशन पे जाने के बाद दोस्तों आपको आपको जो 6 डिजिट का पिन आया होगा उसको दबाना है एटीएम के कीबोर्ड से और यस पे क्लिक करना है। आपका पिन सक्सेसफुली बदल जाएगा दोस्तों। थैंक यू।